हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ग्लूकोज के रासायनिक गुण। आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग दो है। भाग एक वाली वीडियो में ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुणों को हमने पढ़ा था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए कुछ रासायनिक गुणों को हमने दूसरी वीडियो में डाल दिया था। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आज ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ग्लूकोज की संरचना को लेकर। और ग्लूकोज की संरचना को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुसूत्र। और आप सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यदि इसकी संरचना की बात करें तो ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक होती है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना और दूसरी होती है बंद श्रृंखला संरचना। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला कार्बन परमाणु CHO समूह के रूप में होता है और सबसे नीचे वाला कार्बन परमाणु CH2OH के रूप में होता है, और बाकी बीच के जो 4 कार्बन परमाणु हैं इन सब पर एक हाइड्रोजन और एक OH समूह जुड़ा होता है। यदि बंद श्रृंखला संरचना की बात करें तो सबसे ऊपर वाला कार्बन, जिसको हम पहला कार्बन भी कहते हैं, ये 5वें कार्बन से, या आप कहें नीचे से एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़कर एक रिंग बना लेता है, और इसलिए इसको हम चक्रीय संरचना या बंद श्रृंखला संरचना कहते हैं। इस रिंग में 5 कार्बन परमाणु होते हैं और एक सदस्य रिंग का ऑक्सीजन परमाणु भी होता है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हम ऐसे एक हेक्सागोनल रिंग से भी व्यक्त करते हैं। अब यदि बात करें कि इन संरचनाओं में सही संरचना कौन सी है, तो ग्लूकोज के लिए ये दोनों ही संरचनाएं सही हैं। ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुण बंध श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उन रासायनिक गुणों के आधार पर हम कहेंगे ग्लूकोज की संरचना बंद श्रृंखला संरचना होती है, जबकि कुछ रासायनिक गुण ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं, और उनके आधार पर हम कहेंगे कि ग्लूकोज की सही संरचना खुली श्रृंखला संरचना होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रासायनिक गुणों की जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना की पुष्टि करते हैं, यानी खुली श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम ऐसे रासायनिक गुणों को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी व्याख्या बंद श्रृंखला संरचना से करना संभव नहीं है। तो इसलिए ये रासायनिक गुण बंद श्रृंखला संरचना को गलत बताते हैं और खुली श्रृंखला संरचना को सही बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। इसके लिए हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना बनाएंगे, जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला बनाई है। सबसे ऊपर वाले कार्बन परमाणु को हम CHO समूह बना देंगे और सबसे नीचे वाले को हम बना देंगे CH2OH समूह। बीच के ये जो 4 कार्बन परमाणु हैं इन सब पर H और OH लगाना है। स्टार्ट करेंगे हम सबसे नीचे वाले कार्बन परमाणु से। सबसे नीचे वाला तो इसके नीचे वाला है, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके ऊपर वाले से। और यहाँ पर हम दाहिनी तरफ OH को रख देंगे और बाईं तरफ H को रखेंगे। यह विन्यास बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव न करें आप। जैसा व्यवहार आपने नीचे से दूसरे कार्बन के साथ किया है, ठीक ऐसा ही व्यवहार ऊपर से दूसरे कार्बन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम दाहिनी तरफ OH को और बाएं तरफ H को रख देंगे, और बाकी बीच के जो ये 2 कार्बन परमाणु बचे हैं इन पर H और OH लगाना है हमको। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कार्बन है इसका उल्टा कर देंगे, जैसे OH इधर रखाए हैं तो इस बार उल्टा कर देंगे, OH जिधर लगाए हैं उधर H लगा देंगे और H वाली साइड में OH लगा देंगे, और फिर उल्टा कर देंगे। देखिए ऊपर वाले कार्बन में H इधर आपने लगाया तो इसके नीचे वाले में OH कर दिया, इधर OH था तो इधर H कर दिया। अब यह ग्लूकोज की संरचना बनके तैयार है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको अणुसूत्र C6H12O6 मिल जाएगा। इस संरचना को हम कहते हैं D+ ग्लूकोज। आप जानते हैं ग्लूकोज के 2 रूप होते हैं, एक डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज होता है यह प्रकृति में मुख्य रूप से यही पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम डी ग्लूकोज को ही ले रहे हैं।
अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे ब्रोमीन जल से। यदि आप चाहें तो कार्बन परमाणु की नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, इसलिए यह पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल के बारे में आप जानते हैं कि यह दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक है, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो यह ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण करा देगा। ग्लूकोज के अणु में जो एल्डिहाइड समूह है, इसके बारे में आप जानते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो इससे अम्ल का निर्माण होता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल आप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण के पश्चात ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित होता है। ये हो गई लैंग्वेज। अब रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जितने भी कार्बन परमाणु हैं, दूसरे से लेकर छठवें तक, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये जो पहला वाला कार्बन है, जो एल्डिहाइड समूह के रूप में है, इसको आपको कर देना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। तो देखिए, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो एल्डिहाइड समूह था, इसके स्थान पर हम लगा दिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। तो लैंग्वेज हमने लिखा कि ग्लूकोज ब्रोमीन जल, जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक है या ऑक्सीकारक है, द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और इसके पश्चात ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ से ग्लूकोनिक अम्ल का बनना, यानी कि ग्लूकोज के ब्रोमीन जल से अभिक्रिया के बाद ग्लूकोनिक अम्ल का बनना, यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह था। क्योंकि एल्डिहाइड समूह की खास बात आपने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ी है कि एल्डिहाइड को जब हम दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक के साथ या ऑक्सीकारक के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है तो यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में यहाँ पर एल्डिहाइड समूह रहा होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे ग्लूकोज की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया पर, जिसके लिए हम डी ग्लूकोज का एक अणु लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डी ग्लूकोज हमने बना रखा है। नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया कराने वाले हैं। आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल भी एक ऑक्सीकारक है, लेकिन यह प्रबल ऑक्सीकारक है। और जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, वे एल्डिहाइड समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित करते हैं। और साथ ही जो प्राथमिक अल्कोहल समूह होता है, यहाँ पर देखें CH2OH, यह प्राथमिक अल्कोहल समूह है, क्योंकि OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, इससे केवल एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है सीधा। तो नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, एल्डिहाइड समूह को तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही जो प्राथमिक अल्कोहल समूह है, इसको भी यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। आपने यह भी पीछे पढ़ रखा है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कई बार कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और कई बार एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक होता है तो एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है, लेकिन जब प्रबल ऑक्सीकारक होता है तो सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा CH2OH, जो कि प्राथमिक अल्कोहल समूह है, इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी कि COOH समूह में यह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर यह जो अम्ल बना है, जिसमें दो COOH समूह हैं, इसका नाम होता है सैकरिक अम्ल। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, सैकरिक अम्ल। उम्मीद है रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। लैंग्वेज को देखते हैं। ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से सैकरिक अम्ल, जो कि एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह बनाता है। यह ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बने हैं तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हम कह देंगे एल्डिहाइड समूह से बन रहा है। दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कैसे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल समूह भी उपस्थित होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये ऐसे रासायनिक गुण हैं जिनकी हम खुली श्रृंखला संरचना से ही व्याख्या कर सकते हैं। यदि ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एल्डिहाइड समूह नहीं होता है, और यदि एल्डिहाइड समूह नहीं होगा तो यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन भी संभव नहीं होगा। तो ये सभी ऐसे रासायनिक गुण हैं
जो ये सिद्ध करते हैं कि ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना ही सही है। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने डी ग्लूकोज का एक अणु लिया है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो एसीटेट समूह होता है सभी OH के स्थान पर आके जुड़ जाता है और इस प्रकार हमको प्राप्त होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो देखें यहाँ पर OH था, यहाँ से OH रिमूव हुआ और यहाँ पे आके जुड़ गया COOCH3 जिसको एसीटेट समूह कहते हैं। यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी CH3COO समूह आ गया जिसको एसीटेट समूह कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 एसीटेट समूह आके ग्लूकोज में जुड़ गए, तो इसलिए निर्माण हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का। क्लियर बात है। यहाँ पे 5 एसीटेट समूह ही क्यों जुड़ रहे हैं, यह इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं और इसकी भी व्याख्या हम केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही करते हैं, क्योंकि क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आप काउंट करेंगे तो आपको OH समूह की संख्या कुछ कम मिलेगी। तो लैंग्वेज देखते हैं, ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। यह ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की को पुष्ट करता है, यानी कि सिद्ध करता है। और अगली बात कि इन 5 OH समूह की उपस्थिति के बाद भी ग्लूकोज एक स्थायी यौगिक है, तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि जो 5 OH समूह हैं वे अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हैं, क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जब एक ही कार्बन परमाणु पे एक से अधिक OH समूह होता है तो वह एक अस्थायी अवस्था होती है और वहाँ से जलकाणु बाहर जाता है, जबकि ग्लूकोज की संरचना बहुत ही स्थायी है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होगा कि जो ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं उपस्थित हैं वे सब अलग अलग कार्बन पर होंगे, तभी यह संरचना स्थायी होगी। तो इस प्रकार से यह जो अभिक्रिया है यह पुष्ट करती है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर सही है और ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं जो अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो की प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आ गई, सभी अभिक्रियाएँ आपको याद हो गई हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।